अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो। फातिमा पीछे से जो है ना ऐसे ऐसे करिए, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो। खाना शाना खा लिया था तो दोपहर का टाइम था, तैयार होने का बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पसीना आपको नज़र आ रहा होगा, यूँ टप 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 टपक रहा है। और लाइट जो है ना वो ये नहीं है कि ईद है तो लाइट जो है ना वो बंद नहीं है, सुबह से दो दफ़ा लाइट बंद हो चुकी है और बस इस वजह से जो है ना इतनी ज़्यादा इंसान डिस्टर्ब हो रहा है ना कि दिल नहीं करे तैयार होने का। लेकिन साल बाद ईद आती है, बंदा करे तो क्या करे, कोई आ ही जाता है घर ऐसे ओंज मुँह ला के बैठे होते, उन्होंने कहना आज ईद तो नहीं इन्होंने मतलब रेडी शेडी हुए, तो बस इसलिए जाना। कुछ मैंने अपना व्लॉग भी तो बनाना था ना, इसलिए मैंने कहा तो कि ना मैं थोड़ा सा होती हूँ तैयार। फातिमा ने मुझे ला के दिया चुप, मैं पसीना साफ कर, कसम से बहुत गर्मी है। ईद जो है ना, ईद के दिनों में बारिशों का कहा तो था, मे बी कल सेकंड डे या परसों हो जाए, लेकिन आज पहला दिन तो इतना गर्म है ना और धूप इतनी तेज़ निकली हुई है ना। खाना शाना खा लिया था, सोचा था रेस्ट करेंगे, मैंने कहा नहीं अभी जो है ना लाइट अच्छी है तो लाइट में मैं व्लॉग बना लूँ। फातिमा ने भी रेडी होना है, इसके कपड़े आयरन हो गए हैं और आयरन तो हमने पहले से, हाँ जी आयरन तो रात को दिखाए थे आपको, तो बस मामा ने कपड़े चेंज करने, बाकी सब रेडी हो गए। अबू शाज ईद नमाज पढ़ के आके कपड़े उतार के फिर कैजुअली घूम फिर रही हैं क्योंकि गर्मी है, नहीं पहने जाते नए कपड़े, इसलिए जो है ना मैंने हौसला करके पहन लिया। फातिमा रेडी होगी तो आपने बताना है मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट्स कैसी लगी, खूबसूरत हमेशा पसीना से खा लिया, पसीने से जान कर दी है, ये पफ सारे गिले हो के इधर जा रहे। तो चले जी फिर मिलते हैं शाम को। अभी हमने एक खाना, एक दफ़ा हंडिया बन गई, अब दोबारा फिर प्रोग्राम बन रहा है कि अब शाम को क्या बनाएं। तो आपको पता है गोश्त की ईद है तो गोश्त की जाहिर बात बनेगा, पुलाव बनेगा, सिंपल कढ़ाई बनेगी, मेहमान आएंगे, अब कुछ पता नहीं है। अभी जो है ना फिलहाल एक दो घंटे रेस्ट करेंगे फिर आप। चलो जी, यहाँ एक दिन पहले थी क्लिप पर, जिस दिन से चांद रात रात के टाइम में और फातिमा हम कपड़े प्रेस कर रहे थे, क्योंकि जो काम जल्दी जल्दी हो जाए ना वो सबसे बेस्ट है, जब कोई ऐसा टाइम होता है ना, मौका होता है, तो बस इंसान जो है ना जल्दी जल्दी में काम करना भूल जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वक्त से पहले अपने काम जो है ना वो सारे ख़त्म कर लूँ। तो बस फातिमा जो है ना आपको यही दिखा रही है कि हमने जो है ना सारे कपड़े आयरन करके रख लिए थे, क्योंकि गर्मी है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना ही पूछो। कोई लिहाज नहीं किया कि ईद है तो असी बत्ती ना बंद करिए, बत्ती रोज़ तो जाती है, लेकिन आज ईद का दिन था, आज भी गई तो यहाँ पर जो है ना बस बस सवैयाँ बन रही हैं। मैंने पिछले लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम पैकेट वाली सेवइयां बनाते हैं, लेकिन उनसे वो फील नहीं आती, वो बहुत मलीदा और अजीब सी कुछ बन जाती हैं। फिर मामा जो है ना, ये हमारे पास चक्की है, वहाँ से जो है ना ये खुली सेवइयां मिलती हैं, हाथ ये हाथ की, तो खैर पता नहीं कौन सी बनी है, हाथ की नहीं है मेरे ख्याल से, मोटी बनी हुई है। तो बस जो है ना दूध वाली सेवइयां बनाई और इनके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो लास्ट पे कस्टर्ड डाला था, ताकि जो है ना एक अच्छी सी इसकी खुशबू हो, इसका जो टेक्स्चर है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और जो है ना ये यकीन कर इतनी मज़े की बनी थी, ऐसे फील हो रहा था जैसे फलूदा टाइप नहीं होता, जैसे फलूदा ही होता है, मैंगो जो होता है, मैंगो फलूदा वैसे लग रहा था, बहुत मज़े की बनी थी। तो सुबह सुबह उठ के जो सबसे पहला काम था ना वो मेरा यही था, मैंने कोशिश तो की थी मैं रात को बनाऊँ, लेकिन रात को सडन बस लाइट ऐसे चली गई और फिर मैं जल्दी सो गई, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि बत्ती ने बहुत तंग किया है, सानू भी तंग किया है, तो दसो कमर छापा कुछ करते हैं। सुबह सुबह मुँह लेके, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैंने करना था, मैंने मुझे पता था कि ईद का वो है, तो मैंने जो है ना ऐसे ही खाली ऐसे नहीं दिखाना, तो बस जो है ना जल्दी जल्दी सेवइयां बनाई, पापा और श्रास ईद नमाज पढ़ने गए, बस क्या उसको कहते हैं जो त्यौहार होते हैं ना, इनकी एक अपनी रौनक होती है, चाहे गर्मी है सर्दी है कुछ भी है, हमने जो है ना इनको सेलिब्रेट करना होता है। फिर सुबह सुबह ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम कर लिया, कोई 7 बजे के करीब टाइम होगा, और सारा हमने घर वगैरह साफ़ कर लिया, पापा ईद नमाज पढ़ के आ गए हैं, वो पीछे आपके एक अदद लड़का लेटा नज़र आ रहा होगा। नहीं मैंने खुद पंखा बंद किया। चलें जी व्लॉग हमारा ईद का स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और 12 बज गए और इस टाइम हमारा नाश्ता हो रहा है, बाहर चलते हैं। ये देखिए सब पोज लेके बैठे हुए हैं मेरे लिए कि मैं पहले वीडियो बना लूं। लेके बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम कौन सा तस्वीरें बनवाने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल भी रहते हैं। और आप सब बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में है, बाहर हैं, जो हमें प्यार से देखते हैं, सबको ईद उल अज़हा की ढेर ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी खुशियाँ देखने नसीब करें। और गर्मी बे इंतहा है और हमारी हुकूमत का इतना प्यार है आवाम के साथ कि वो ईद के दिन भी नहीं भूली। आज भी सुबह से रोज का सिलसिला जारी है। और अभी हमने ना रात को लेट हम सोए थे तो नाश्ता नहीं किया, उन्होंने कहा आप हमें भूल ना जाएं।
भी खाई थी। तो अभी हम नाश्ता करने लगे हैं, और नाश्ता भी हमने माशाल्लाह माशाल्लाह से कुर्बानी के गोश्त से चलना है हमारे। नाश्ता भी हम माशाल्लाह से कुर्बानी के गोश्त का ही करने लगे हैं। तो फर्स्ट हमारे हमारा खाना जो है नाश्ता ये अभी बनाया फ्रेश जी, चलें खोल के देखें। शराज भी बैठा है जी, ये भी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबको? उम्मीद है सब ठीक होंगे। चले बाबा जी, आप भी आ जाए। हमारी अम्मी तो मैंने भी कहाँ भी आ रहा नहीं है। नाश्ता करके ना तो फिर कहते हैं अब्बू ने बोतल चार पाई के नीचे घुसा दी, पापा ने डर से कितने गर्म ना हो जाए। खाना शाना खा के जी हम फ्री हो गए थे। शराज ने कहा थोड़ा सा मैं जो बाहर विजिट करके अपने दोस्तों को मिल के आऊँ, तो बस जाना रेडी शेडी हो के ऐसे वो पता नहीं क्या चिला चिला के कह रहा है कि मेरी तस्वीर बनाओ। तो ये जो इसने चेन पहनी है, ये थोड़े दिन पहले फातिमा ने इसकी पहनी थी, तो उससे कहीं गुम होगी, तो बस इसने जो है ना फातिमा की कहाँ से पकड़ी, कहता अब तुम्हें ये वापस नहीं मिलनी। तो यहाँ पे आपकी बहन भी तैयार हो गई है, देख लें बस थोड़े से शशके मारते हुए कि कैसे लग रहे हैं। हालांकि ये क्लिप मैंने डालना नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपनी बहुत प्यारी सी बैंगल्स दिखा रही हूँ। और ये मेहंदी जो है ना, ये मुझे फातिमा ने लगाई थी। वो कहते ना बातें करोड़ों की और मेहंदी के डिज़ाइन पकौड़े के, वही हिसाब इसने किया है। ज़रा अच्छी मुझे मेहंदी नहीं लगाई रात के टाइम, रात के टाइम अच्छी लग रही थी, दिन को नहीं अच्छी लग रही थी। और फातिमा भी माशाल्लाह से तैयार हो गई है, और जो है ना बहुत प्यारी लग रही है। आपके सामने है कटिंग, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये कटिंग जो है ना, ये खुद घर में इसने खुद की है, खुद की कटिंग खुद की है। तो जो है ना यहाँ पर करिए आदाब, ऐसे जो है ना वो करी है। वॉइस ओवर इसलिए करी है क्योंकि कूलर चल रहा था, कूलर में एक मिनट बंद करने का तसव्वुर भी नहीं कर सक रहे। बत्ती जान दिए थे, जान निकलन ला पी थे। मैं क्या चलो हर मैन वॉइस ओवर ही करो, छोड़ो इसको। बस फिर जो है ना वॉइस ओवर इसलिए करी। और ये जो है ना थोड़ा सा हमने कहा कि चलें आप यही समझ लें व्लॉग के लिए मैंने थोड़ा सा रेडी हुई, वरना जो आज गर्मी के हालात थे ना, मेरे ख्याल से 45 या 46 से भी अबव टेम्परेचर था। तो जब व्लॉग श्लॉग बन गया, वाल असी अपने कस कुस ले, ज्वेलरी शुलरी भी लाते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबके पसीने छूट रहे हैं, और हमने मेरे नहीं छोड़ रहे पसीने। पसीने तो बाद ही हाल हुआ कूल बॉय, कूल बॉय के यहाँ पे पसीना देखे थे। कूल बॉय बेचारे को इतना क्लोज ना ना दिखाओ, पंजाबी जी बोलता है बेचारे ने ना, बेचारे ने इधर शायद शाम को खुद पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि खुद ही बनाना है, क्योंकि एक खाना मैंने बना दिया और एक खाना मामा बनाए। मैंने ठंडिया मैंने बना दिया और दूसरा जो है ना वो सब लोग ना पापा और मामा और मैडम ने गोश्त के दुवाले हुए हैं पंजाबी में। मैं पापड़ खा रहा हूं। गोश्त पापा ने साफ करवाया, कुछ मैं होंगी और मामा हमारे लिए पुलाव बनाएंगी। हाँ जी मामा बनाएंगी, चले मैं बना लूंगी, आप मुझे पास खड़ी होकर गाइड करें, मुझे कोई मसला नहीं। पास खड़ी होने के बगैर भी आप बना सकती हो, माशाल्लाह से इतनी वो नहीं हो कि आप। चले आपको पता है, सही है ना। तो मेरी हर बहन जो है ना, वो इतनी कम उम्र से कुकिंग कर रही है, तो अब तो वो कुकिंग वो हो गई है कि मैं भूल जाती हूँ। आप भी उठ के मामा के पास जाकर बैठी, अब हर मैं आपकी कुकिंग मास्टर बन चुकी है। जोड़ी मैंने कहा आपको जरा एक दफ़ा इकट्ठी दिखा दें, जोड़ी ऐसे सजेगी। ये देखें मैं सारा कुछ डाल दिया, ये भाई सारे अपने पैसे याद मांग लिए। और ये देखें इसके ये पड़े हुए, ये दो उतार के रखेंगे मैं मामा के साथ। ये देखें ये हरमैन के। 1 hour later इसके बाद अब जो है ना हमारा डिनर, अब हम चाय का टाइम है, चाय मैं बनाऊंगी, लेकिन ये जो लंच है ना पुलाव ये मामा बनाएंगे, मैं जो ना थोड़ी सारी इधर से काम शाम करूंगी। शाम को खाना नहीं, मे भी उनके लिए खाना बने या ना बने, क्योंकि पहला दिन होता है ना सबके घर बनता है खाना, तो बोतल और चाय के साथ ही लोग मेहमान जो है ना वो गुजारा करते हैं। इसलिए मेरी सीट अब संभाली अभी, अब मैं हैंड वॉश करने जाऊँ उधर जाओ। यहाँ पे जो है ना मैंने तैयार कर लिया है मसाला सारा जो पुलाव का था, और ये जो पीछे आपको गाने की आवाज़ है ना, ये फातिमा का सिंगर आधी रात को जागा हुआ है। तो बस जल्दी से जो है ना प्रेशर मैंने लगाया, चिकन कह रही हूँ
चिकन नहीं बीफ, चिकन खा खा के चिकन मुँह से निकल रहा है, तो जो है ना नहीं गला था, फिर इन्होंने लाया। और आज गैस भी बड़ी कम आ रही थी, उसे कह रहे होंगे अपने मसले मसाइल क्या करें, पाकिस्तान में इतने मसले मसाइल कब से हो गए, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं इतना आज मुझे गुस्सा आ रहा था कि बंदा ईद पे तो ना लाइट बंद करे, ईद पे बत्ती बंद करने रखी तो के दादा जिद कर करके हमने अम्मी को पहनाया कि मामा नहीं पहने पहने, ईद है पता चलना चाहिए। गर्मी की वजह से नहीं मैं पहन रही थी, तो पुलाव की फरमाइश भी कि मैंने बनाना है, तो ये भी फरमाइश थी कि मैं कपड़े भी पहनूं। चले अपना गला तो दिखाए इधर आगे से, कैसा लगा ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये सिलवाया भी रमैन ने अपनी पसंद से, और रमैन अप्पी ने लैस भी मामा को खुद लगवा कर दी, बच्चे हमारे डिजाइनर बन चुकी है। हाँ जी, और उधर बैठी है ना, दिखाओ फातिमा मजे से बैठी है, तुम क्या दे कूलर के आगे रमैना पे बैठी हुई थी, और मैंने कूलर बंद कर दिया, मैंने कहा उंजी बै इधर देखी जी, ब्लाउज की फाइनल लुक, फाइनल लुक नहीं अभी मैंने गोश्त, अभी मतलब मामा को गोश्त यखनी बनाई है, ये देखें हाय मुझे क्या आ रहा है, मुझसे बोलने जा रहे गोश्त मामा भून रही, ये रही यखनी, ये चावल भी गए, ये रही मेरी एक अदद मम्मी। हाँ जी एक अदद मम्मी, और पसीना बड़ा आया जब चूल्हे को, पसीना बड़ा है जब चूल्हे के पास काम करें फिर पसीना आता ही। और आपको किसने कहा कि आप माँ जी हैं, आप मम्मी ही हैं, एक खूबसूरत लेडी? नहीं जी मैं माँ जी हूँ। आपने कमेंट्स में बताना है कि मेरी मामा एक खूबसूरत लेडी ही है। मुझे अम्मी लफ्ज़ बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को अम्मी कहती थी। चलें बनाए मामा आप, फिर अब हम जब बन जाएगा ना, मैंने आपको तब देख के खाना लिया, यखनी डालें फिर मामा खड़का कम करें, यखनी डालेंगे फिर चावल डालेंगे और उसके बाद फिर दम लगा देंगे, ठीक है? ये देखिए मैं यखनी डालने लगी जी, चले जी डाल दी। बाहर कोई आया देखना? Two hours later. हमारा खाना ना बहुत ज्यादा रात के ऊपर पहुंच गया, ये देखें अंधेरा, मतलब आई मीन जी मगरिब की नमाज होगी, अब मामा इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाह ध्यान से जान, स्टीम ना अपने हाथ पे डाल लेना, फिर हम इतनी मामा का हाथ अगर जल गया तो हम क्या करेंगे। नहीं माशाल्लाह ये देखेंगे, पता मामा के हाथ में जो टेस्ट होता है ना, वो बच्चे, मैं खुद अपनी अम्मी के हाथ का, अपनी आपी के हाथ का बहुत पसंद करती हूँ। आप यकीन करो कि मुझे इतना शौक है अपनी आपी के हाथ का आलू गोश्त खाने का, मेरी फेवरेट डिश आलू गोश्त है। और देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे बने, रमफान ना दिखाओ क्लोज करके, ये देखें आ जाए आप, नेवी जी जिसने खाने हैं तो बिल्कुल सादा पुलाव है, कोई मैंने इसमें स्पाइस नहीं डाले। अब हम मगरिब के पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर खाएंगे चावल, चलें जी। हरमेन इधर आओ, पसीना गर्मी, पसीना धूल मिट्टी, रुको जरा सबर करो बस जरा सा सेव कर, क्योंकि हम नहीं इस्तेमाल करते, हम लक्स यूज करते। हरमेन अभी कहना चाहिए थी बस जरा सा लक्स, बस जरा सा लक्स, बस जरा सा लक्स, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दूध। आप यकीन करो कि ये कुछ, मैं इनको दोनों को कहती हूँ कि अपनी दिल का ख्याल करो, यंग जब मैं थी मेरी जिद इतनी प्यारी थी ना, माशाल्लाह इनकी भी ठीक है, पर ये जरा हिफाजत नहीं करती। आपको ग्लोइंग स्किन दोनों मैडम्स की नजर आ रही हो। नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं करती, मैं फेयर एंड लवली जरूर लगाती थी, उस दौर में स्टिल मैन क्रीम थी एक बहुत अच्छी, वो मैं लगाती थी, तो ये कुछ नहीं लगाती ना, फार्मा कुछ लगाती है ना, ये कुछ लगाती है, मैं इनको कहती हूँ कि आप अपनी जिल का कुछ तो ख्याल करो, तो करना चाहिए इन लड़कियों को अपनी फेस की, क्या आपको कहते हैं, क्या करनी चाहिए, ठीक है? लुक जो होती है ना बड़ी मैटर करती है, मैं इनको कहती हूँ खूबसूरती जो है ना बंदे का हथियार है, तलवार है, अल्लाह पाक को भी खूबसूरती पसंद है, तो बंदे को ना अपने आप को अभी फिर मांगे थे जी। चले जी व्लॉग आपने देख लिया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और आप सबकी ईद कैसी गुजरी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप सबके शहरों में कैसा मौसम है, लाहौर में तो बहुत गर्मी थी आज सारा दिन जो है ना, गर्मी से परेशान रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि जो है ना ईद साल बाद आती है अच्छे तरीके से इंजॉय करें, गर्मी तो अब 3-4 महीने रहनी है, तो इंशाल्लाह परसों फिर अच्छे से लोग के साथ मिलेंगे। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आप सबको मेरी तरफ से फिर एक दफ़ा ईद उल अज़हा बहुत मुबारक है।